आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग कुछ तूफानी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जंगल के अंदर जाके जंगली सुअर को पकड़ने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत ही सुंदर घना दृश्य है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज जंगल के अंदर बहुत नए नए चीज़ हम लोग दिखाने वाले हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं हीरो होंडा में, ओह माय गॉड। और ये हमारे कप्तान साहब आगे आगे चलते हुए, बहुत ही हरा भरा दृश्य है। पीछे पूरा टीम हम लोग का है। चलिए एक बार पूरा टीम को दिखाते हैं क्या मिलता है। हालांकि उधर गया है जंगल के अंदर, सब कोई हाई कर रहे हैं और अपना अपना औजार साथ में। पूरे टीम है हम लोग आज, अब पूरा टीम एक साथ मिलकर जंगली सुअर को पकड़ेंगे। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लॉकडाउन में कोई घर में बैठे बैठे सब कोई बोर हो रहे थे, हम लोग सोचे कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। सारे बच्चे आगे आगे जाते हुए, बहुत ही घना जंगल है दोस्तों। डर भी है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर भी है। बहुत सारे जंगली जानवर हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अपना आत्म सुरक्षा के लिए अपने हाथों में औजार लेके चल रहे हैं। चलिए दोस्तों क्या होने वाला है देखते हैं आगे। बहुत ही अच्छा दृश्य, चलिए देखते हैं क्या होता है। सभी लोग जवान पूरे की बंदा पीछे, ये सुनील हाई करते हुए आइए, देखते हैं क्या होने वाला है। ये हम लोग भी जंगल के बीच में, बहुत ही डर लग रहा है। इस जंगल के बारे में आगे अनिल भाई बताएंगे। इससे भी बड़ा घना जंगल था, लेकिन हम लोग का बैड लक है जो वीडियो नहीं सेव कर पाए। दरअसल बात हुआ था कि इतना घना जंगल था, एक लड़का बोला कि यहाँ पे सांप है, भागने के चक्कर में सेव नहीं कर पाए उसको। चलिए कोशिश करते हैं, ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगे, पूरा जंगल का दर्शन कराते हुए आप लोग को। और दोस्तों बता दूं कि खास करके यहाँ जामुन का अधिकतर पेड़ आप लोग को देखने को मिलेगी, जो बहुत ही अच्छा है। जिस टाइम अभी तो जामुन फरा नहीं है, जिस टाइम जामुन फरता है ना उस टाइम लगता है जैसे अंगूर का, और देखने में कैसा लगता है जैसे अंगूर, कितना खूबसूरत लगता होगा देखने में। ये हमारा सबसे घना जंगल है, इसमें आपका खूंखार जानवर मिल सकता है। इसमें आप लोग को आइए दिखाते हैं क्या मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, रास्ता तो नहीं है, हम लोग का दोस्त रास्ता बना रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही घना जंगल है, रास्ता है ना आगे बनाना दोस्त, छोड़ना नहीं, झाड़ी नहीं तो मार देगा हमको। चलो खैर यहाँ मिला कुछ जगह मिला जो तालाब जैसा नजर आ रहा है। खैर उतना घना जंगल हम लोग रास्ता मिल गया, इसलिए शॉर्ट में पार हो गए। फिर तालाब मिला दोस्तों, जंगल का बीचों बीच एक तालाब। एक ही नहीं आता था कि तालाब यहाँ होगा, आज तक कोई नहीं देखा था इस तालाब को। जंगल
जंगल से बाहर निकलते हुए कुछ देखिए। फिर भी लोग का कहना है कि और जंगल दर्शकों को दिखाएंगे, इसलिए आगे के रूप करते हुए चलिए आप लोग को दिखाते हैं और जंगल। दोस्तों जंगल इतना बड़ा है कि डर के मारे हम लोग अंदर नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रकार का जीव जंतु रहते हैं, सांप। चलिए दिखाते हैं। हालांकि हम लोग जंगल के किनारे किनारे घूम रहे, अंदर घूम एक बार अंदर घुसे थे जो आप लोग को वीडियो नहीं दिखा पाए उसमें। चलिए दिखते हैं आप लोग का ये पूरा जिंदगी में फर्स्ट बार, आज तक कोई भी चैनल वाला या कोई यूट्यूबर इस जंगल का वीडियो आप लोग को नहीं दिखाया होगा। इस ये फर्स्ट बार हम लोग उसी मेरा हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद अक्सर वही है कि आप जनता को जंगल के बारे में पता चले, भूल कर भी इस जंगल की तरफ ना आए, यहाँ कुछ भी होता है। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, हम लोग एक आध आदमी नहीं, हम लोग पूरा टीम के साथ यहाँ पर हैं, फिर भी हम लोग का हिम्मत नहीं हो रहा कि जंगल की तरफ जाएं, बीच जंगल की तरफ घुसे। हालांकि हम लोग पानी का व्यवस्था भी देख सकते हैं, प्रत्येक साथी के साथ पानी का व्यवस्था, जानवर जंगली जानवर के बचने के लिए हथियार कुछ ले लिए हैं आत्मरक्षा के लिए। हम लोग काजू का जंगल घुसने वाले हैं और अभी आप लोग को हम लोग का यहाँ का काजू का पेड़ दिखाना चाहते हैं, काजू का जंगल। देखिए साथी, कुछ टीम हम लोग का वहाँ पर हम लोग का इंतजार कर रहा है। अब हम लोग का पूरा टीम एक साथ होने वाले हैं, आगे आगे दिखाएंगे, उन लोग से बात करेंगे। और ऐसा जगह जा रहे हैं दादा जहाँ बहुत सुंदर सुंदर जंगली जानवर आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गया। यहाँ पर कुछ मिला है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या मिला है। ये अंडा है, ये किस चीज़ का अंडा है इसका पहचान करेंगे अभी हम लोग। ये देखने में तो पलाश पक्षी का, हाँ ये पलाश पक्षी का ही अंडा है और ये देखने में बड़ी खूबसूरत है। और इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ये पलाश पक्षी अधिकतर रात में अपने अंडा का हिफाजत करती है, दिन में पूरे आकाश में भ्रमण करते रहती है। चलो इसको अपने स्थान में रखो, अंडा का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आगे देखते हैं क्या मिलता है दोस्तों, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते हैं और क्या क्या मिलता है। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे।